गुरु भागवत महापुराण में उल्लेख है कि सृष्टि के प्रारंभ से ही परम ब्रह्म परमात्मा ने जब जैसी आवश्यकता हुई उसी प्रकार का रूप धारण किया, जैसे मत्स्य, वराह, कूर्म आदि। भगवान के अवतार कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण अवतार भगवान राम, भगवान कृष्ण, अंश अवतार वेद व्यास इत्यादि, नैमित्तिक अवतार नरसिंह, वामन इत्यादि, नित्य अवतार आदि शंकराचार्य, महाप्रभु चैतन्य, संत कबीर, गुरु नानक देव इत्यादि। इसी श्रृंखला में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज लोक कल्याण के लिए अवतार धारण कर आए। सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज सिंध की पावन भूमि पर, सिंधु दरिया के तट पर, हैदराबाद के खंडू गांव में शनिवार 6 जुलाई सन 1887 को अवतार धारण कर आए। जन्म लही अज जोगी आयो। उनके पिता श्री चेलाराम एवं माता श्रीमती कृष्णा देवी पूर्ण प्रभु भक्त थे। बालक टेऊ के जन्म से ही माता कृष्णा उन्हें अपना दूध पिलाते हुए सोहम की धुनी लगाती थीं। वो हर रोज सुबह सवेरे ही नित्य नियम से चक्की चलाते समय बालक को गोद में बैठाकर भक्त कबीर की वाणी गुनगुनाती थी। शब्द की चोट तन में लगी लगी, शब्द की चोट तन में लगी लगी, हाँ लगी लगी, ओ लगी लगी, शब्द की। यही वो बात थी जिसके प्रभाव से बालक टेऊ का लगाव प्रभु प्रेम में लगातार बढ़ता रहा। पिताजी की दुकान और खेती बाड़ी में उनका मन नहीं लगता था
और ना ही वो खेल कूद को पसंद करते थे। इसी कारण वो कभी कभी अपने पिताजी की डांट भी खाते थे। वो तो बस सच्चा सौदा ही चाहते थे। स्वामी टेऊराम जब 10 वर्ष के थे तब वो अपने माता पिता के साथ अपनी बड़ी बहन ईश्वरी देवी के बेटे की छठी पर भिटशाह गांव पहुंचे और वहां बालक को गोद में लेकर अति प्यार भरी नजरों से देखने लगे। अब वो बालक यानी सीरू जब भी खंडू आता तो घुटनों के बल चलकर स्वामी टेऊराम जी महाराज के चरण स्पर्श करता। आगे चलकर यही बालक स्वामी सर्वानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो अक्सर घर से भाग जाते तो उन्हें जंगल में ध्यान करते हुए पाया जाता था। तब बड़े भ्राता टहलराम पकड़कर उन्हें घर ले आते थे। मैं मांगत नाहीं और कुछ, संत दरस हरी देह, कहे टेऊ दर्शन करे, सफल करूं तन एह, सफल करूं तन एह। अक्सर बालक टेऊ अपनी माता जी से घर छोड़कर योगियों के पास जाने की आज्ञा मांगते। अम्मा मुखे मोकल रे, अम्मा मुखे मोकल रे, अम्मा मुखे मोकल रे, अम्मा मुखे मोकल रे, घर की न वणे तुंहिंजो मत वेंदस जो गिन दे, जब वे 14 वर्ष के हुए तो भगवत इच्छा से प्रसिद्ध सूफी संत साईं आसुराम जी हेडमास्टर बनकर आए। बस टेऊ को अपनी राह मिल गई और गुरु मंत्र की दीक्षा ली। अब गुरु मंत्र का खूब अभ्यास करके आत्मा में वृत्ति लगाई। ऐसे वो बड़े होते गए, उनका प्रभु के प्रति प्रेम समंदर की लहरों की भांति बढ़ने लगा। अब वो संतों की सेवा में समर्पित हो गए। सतगुरु मुझको दान दे, प्रेम भक्ति विश्वास, कहे देऊनित सुमत दे, संतन मां। वैराग्य वृत्ति लगातार बढ़ती गई। खेतों में जाकर परमात्मा के ध्यान में वो लीन हो जाते और प्रभु परमात्मा के भजन गाते। कैसे
कैसे तुझे पाऊं, कैसे तुझे पाऊं, है मुझे बताओ मुझे बता। इंद्रराज वैकुंठ सुख नहीं मांगूं धन दान, कहे टेऊ मुझ दीजिए हे हरि अपना नाम, हे हरि अपना नाम। वैराग्य वृत्ति ने इतनी शिद्दत पकड़ी कि वो तीन चार दिन तक घर लौटते ही नहीं थे। बड़े भाई टहलराम जी ढूंढ ढूंढ कर उन्हें घर लाते और माता जी से शिकायत करते कि इसे समझाइए। माता, मेरी विनती है, दुकान और खेती अकेला नहीं संभाल सकता, टेऊ और ग्वाल को समझाइए। आपने कुछ नहीं कहिए, मैं प्यार से समझाऊंगी। माता जी टेऊ राम को अपने पास बैठाकर प्यार से कहती, कहे माता कृष्णा सुन पुत मेरे, जग सुख लेता तू क्यों दुख लेता, घर बैठ के अपना काम कर ले, जो जग करता है वेद कहता। सुन मात मेरी कहूँ बात साची, मैं काल के दंड से बहुत डरता। कहे टेऊ देखा मैं सोच करके, सुख नहीं जगत में मैं ध्यान करता। शाम को वो जब भी थले पर सत्संग किया करते तो माताजी भी संगत के साथ वहीं बैठ जातीं। एक दिन सत्संग के दौरान वो अपनी माताजी से कहने लगे, दिन श्री गुरु महाराज जी प्रातः 4 बजे उठकर हाथ में कमंडल व कंधे पर तौलिया रखकर घर से बाहर निकलकर रात्रि लगभग 8 बजे हैदराबाद पहुंचे। प्रातः 4 बजे जगकर समाधि में वो बैठ गए। सुबह होते ही स्वामी जी बाहर घूमने निकले। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक दुकान पर बढ़िया इकतारे यानी तंबूरे रखे हैं। कीमत पूछने पर दुकानदार ने 10 रुपए बताई। स्वामी जी की इकतारा लेने की प्रबल इच्छा थी। मन में विचारने लगे कि पैसे कहां से लाऊं। चलते चलते देखा कि बाजार में एक सेठ का मकान बन रहा है। वहां पर 5 दिन लगातार कठिन परिश्रम के साथ मजदूरी करके उन्होंने 10 रुपए कमाए और दुकान से एक तारा यानी तंबूरा खरीदकर स्थान पर आ गए।
बाबा आत्माराम जी एवं सारे सत्संगी भजन सुनाने के लिए वो स्वामी जी को प्रार्थना करने लगे। फिर क्या था, एक तारा गूंज उठता। बाणी बरसन लागी जो बादल की बौछारा, और साज सब सुरही में थे एक उठाया एक तारा। वे 16 वर्ष के थे तो पिताश्री भक्त चेला राम को शरीर त्यागने का आभास हो गया। उन्होंने संगत की जिज्ञासा के उत्तर में कहा कि अब टेऊ राम ही आपका मार्गदर्शन करेंगे और सत्संग की मौज मचाएंगे। एक दिन प्रभात को स्वामी जी दरिया पर नहाने जा रहे थे। रास्ते में एक वृद्ध माता ने प्रार्थना की, भगवान के वास्ते इस हरिजन को समझाइए कि ये मेरे घर के बाहर से वो मरा हुआ कुत्ता उठा कर ले जाए। स्वामी जी के बहुत समझाने पर भी जब वो हरिजन नहीं माना तो स्वामी जी खुद ही उस कुत्ते को रस्सी से बांध कर ले गए। हरिजन की शिकायत पर बहुत विवाद हुआ और पंचों ने स्वामी जी और उनके बड़े भाई को पंचायत में बुलाया और कहा कि आपने ये नीच काम किया है, आपको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको पंचायत से निकाल दिया जाएगा। इस पर स्वामी जी ने जुर्माना देने से इनकार करते हुए उत्तर दिया, मैंने कोई पाप नहीं किया है, उस वृद्ध औरत ने मुझे भगवान का वास्ता दिया, इस बेचारी हरिजन को भगवान के नाम के मूल्य का भला क्या पता, लेकिन मुझे तो पता है। उनकी वाणी एवं वृत्ति से प्रभावित होकर हुंदल दास नाम का एक ब्राह्मण स्वामी जी का शिष्य बना। अपने आप को स्वामी जी को समर्पित करते हुए वो झाड़ू पोछा व बर्तन मांजने की सेवा में लग गया। उसके परिवार वालों को ये बात बहुत ही कठिन लगी और कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि जो अब तक हमारी सेवा करते आए हैं उन्हें गुरु मानकर पूरे कुल को नीचा तुम कर रहे हो। हुंदल दास ने उत्तर दिया, मैंने तो सच्चे सदगुरु की शरण ली है। गंगा काशी गिरनार तक खोजा चारों धाम, हुंदल के मन को भाया सतगुरु टेऊ राम। अब वो अपने घर के साथ साथ थलहे पर हर सायंकाल को सत्संग कीर्तन की मौज मचाने लगे। जिज्ञासुओं की तादाद लगातार बढ़ने लगी। वो सभी को एक सा सम्मान देते थे। जो भी शरण में आया उसे मानव जीवन सफल करने का उन्होंने रास्ता बताया। इसी तरह महाराज जी एक बार जब 3 दिन तक अपने घर नहीं आए तो उनके भाई और सत्संगियों ने ढूंढते ढूंढते उन्हें दरिया के किनारे एक कुटिया में बैठा पाया। सब प्रणाम करके बैठ गए। महाराज जी के छोटे भाई ग्वाललाल ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप तो यहां आकर बैठ गए और वहां संगत आपके बिना दुखी हो रही है। ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, हर जीव को अपने बस में उसने कर रखा है। कृपया हमें बताइए कि इस माया से जीव कैसे छूटे। महाराज जी ने समझाया, पहले इस माया को पहचानो, फिर उसे जीतने का रास्ता ढूंढो। जो हम देख रहे हैं वो सब माया है।
जिसमें इतनी शक्ति है कि ये पैदा ईश्वर से हुई है, ईश्वर के सहारे है और उसी को छुपा देती है। ये किसी को नहीं छोड़ती, बस सदपुरुषों ने ही इससे अपना दामन बचा रखा है। किसी ने घर बार त्याग कर जंगल का रास्ता लिया, तो किसी ने हाथ जोड़कर अपनी जान छुड़ाई, या फिर किसी ने इंद्रियों और मन को वश करते हुए माया को जीता। स्वामी गुरुमुख दास ने पूछा, भगवान इंद्रियों को कैसे जीतें? सदगुरु महाराज ने समझाया, विवेक, वैराग्य और सदगुरु के नाम के आधार से। संगत के आग्रह से महाराज जी दूसरे दिन खंडू वापस आ गए। 22 फाल्गुन संवत 1978 अर्थात मार्च 1921 के दिन महाराज जी अपनी संत मंडली एवं कुछ प्रेमियों के साथ सैर करते हुए टंडो आदम के नजदीक एक घने जंगल में पहुंच गए, जहां रेती के ढेर थे। स्वामी जी ने ऊपर चढ़कर चारों ओर से जंगल का दिल लुभाने वाला दृश्य देखा। एक ओर हर प्रकार के सुंदर फल और फूलों वाले वृक्ष थे, दूसरी ओर पंछियों की मीठी मीठी मधुर आवाज आ रही थी। वसंत ऋतु में ठंडी और सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसा अद्भुत रमणीक दृश्य देखकर सदगुरु महाराज वहीं डंडा लगाकर पद्मासन में बैठ गए और कई घंटों तक निज स्वरूप समाधि में लीन हो गए। बाकी संत भी भगवत ध्यान में मग्न हो गए। शाम को समाधि से जगने पर महाराज जी संतों और प्रेमियों से कहने लगे, हमें तो ये भूमि भाग गई है, लगता है यहां पहले महात्माओं ने भजन किया है, हमें यहां आनंद आ रहा है, हम यहीं पर बैठेंगे, आप लोग भले ही वापस जाएं। कुछ सत्संगी आशीर्वाद लेकर वापस चले गए, बाकी स्वामी ग्वालानंद, स्वामी सर्वानंद, स्वामी गुरुमुखदास, स्वामी बसंतराम, मुरलीधर, गणेशानंद, प्रेमानंद आदि वहीं रह गए। शाम को संत पेड़ों से फल आदि लाए और जल पिया। सदगुरु महाराज जी की आज्ञा से संतों ने जंगल से सूखी लकड़ियां लाकर धूनी चलाई। अगले दिन सभी संत वहीं ध्यान भजन में लीन रहने लगे। आसपास के गांवों से कोई प्रेमी भोजन दे जाता तो खा लेते, नहीं तो फल खाकर ही गुजारा करते। स्वामी जी का निष्काम प्रेम व त्याग देखकर लोगों में श्रद्धा भक्ति बढ़ती गई। सदगुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार पास ही एक जगह पर खेत बनाकर उसमें सब्जियां लगा दी। महात्मा को रात में पुकार करते हैं कि आत्म ज्ञान अमीर सतीलो, हो राम आत्म ज्ञान अमीर सतीलो, आत्म ज्ञान अमीर सतीलो, हो जाओ न कबहू जम के धाम।
आत्मज्ञान अमीर सखीनो आत्मज्ञान अमीर सखीवा जाओ बनवा सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी कैप्टन भूमि जल पाप जलाया भूमि दिन पाप जलाया चारों खाते में मन बनाया प्रतिदिन ढो ढो चटनी का भंडारा लगने लगा। सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी। सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज ने जो आध्यात्मिक अमृत पिया वो रस सभी जीवों को पिलाने के लिए प्रेम प्रकाश मंडल की उन्होंने स्थापना की। उनकी आत्मिक शक्ति ने हर प्रकार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो थोड़े समय में ही हजारों की तादाद में बढ़ते गए। अब ये सिंध का एक तीर्थ स्थान बन गया। संत मंडली की प्रार्थना पर इसे नाम दिया अमरापुर स्थान। सदगुरु महाराज जिज्ञासुओं को सतनाम साक्षी मंत्र जपाकर आत्म साक्षात्कार की राह बताते रहे। लेकिन महाराज जी से ईर्ष्या करने वालों की कोई कमी नहीं थी। इधर सत्संग की मौज लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तो उधर शहर के कुछ बाबा ब्राह्मण और सेठ लोग उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने फिर से कलेक्टर साहब के पास शिकायत लिख भेजी। कलेक्टर साहब का आदेश लेकर तपेदार बाबा नारायण गिरी और पुलिस वालों ने मिलकर झोपड़ियों में आग लगा दी। उस समय का दृश्य बहुत ही दर्दनाक एवं भयानक था। झोपड़ियां धू धू चलने लगी। तब सदगुरु महाराज ने सभी संतों और प्रेमियों को ये भजन सुनाया। प्रभु ने अपनी कृपा धारे आदि जुगा जुग निज भक्तों के गौ जीवा कर लाज बचाई प्यारे कबीर का हर शान बराया खोले अखंड भंडारे प्रभु ने अपनी कृपा धारे प्रहलाद का कष्ट निवारा हो नरसिंह मुरारे द्रौपदी की लाज रखी हर देकर चीर अपारे पारे प्रभु ने अपनी कृपा धारे कहता टेऊ सरवन देके सुनिए संत उदारे
सुनिए संत उदारे करीब एक सप्ताह के बाद प्रभात के लगभग 5 बजे एक अंग्रेज पति पत्नी डिब पर आ पहुंचे और हिंदी भाषा में पूछने लगे, इन झोपड़ियों को किसने जलाया है? सदगुरु महाराज ने उनकी ओर देखकर कहा, आपने जलाया है। ये सुनकर सदगुरु महाराज से कहा, आप चिंता ना करें, आपकी ये कुटियाएं फिर से बन जाएंगी। सभी साधु सदगुरु महाराज से पूछने लगे, ये लोग कौन थे? सदगुरु महाराज ने हंसकर कहा, ये लक्ष्मी और नारायण थे। दूसरे दिन सुबह 10 बजे ग्रीक फर्म के मैनेजर कार्टर नामक गोरे ने सदगुरु महाराज को प्रणाम करके कहा, भगवान आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, मुझे परमात्मा का आदेश हुआ है कि वो स्थान किसी भी प्रकार से संतों को ही दिलाया जाए। इतना कहकर नमस्कार करके वो नवाब शाह चले गए। प्रभु की लीला ऐसी आ बनी कि जिस कलेक्टर बोल्स ने आग लगाने का हुक्म दिया था उसका तबादला हो गया। उसके स्थान पर कोवी नाम के कलेक्टर आए। कार्टर और कोवी ने मिलकर कमिश्नर साहब से आदेश लेकर रेजिडेंट साहब को टंडो आदम भेजा, जिसने सदगुरु महाराज जी को सरकारी आज्ञा से 7 एकड़ और 12 घंटे जमीन नाप कर सौंप दी। कुछ ही दिनों में साधुओं ने अपने हाथों से कुटियाएं, सत्संग मंडप, कोठार और भंडारा पहले जैसे ही बनाकर तैयार कर दिया। एक बार भाई गोविंद राम, भाई आवत राम, भाई शोभराज ने सदगुरु महाराज से प्रार्थना की कि महाराज जी, आप तो सदा सैलानी हैं, इस स्थान पर बहुत ही कम रहते हैं, जो यहां आते हैं उनको आपके दर्शन से वंचित रहना पड़ता है। हमारी प्रार्थना है कि आप कोई समय निश्चित करें ताकि प्रेमी आपके दर्शन व सत्संग से मायूस न हो। आप सबकी राय क्या है? गुरुदेव, सब भक्तों की राय है कि 12 तारीख चैत्र महीने की आपने यहाँ सत्संग किया था, उन तारीखों में आप यहाँ रहें और सबको दर्शन दें। जो आपकी राय है वो हमारी राय है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। सतनाम साखी। सतनाम साखी। इसी तरह अमरापुर स्थान पर चैत्र का 4 दिनों के लिए पहला मेला 12 चैत्र संवत 1980 अर्थात मार्च 1922 को आरंभ हुआ। सुबह को हवन करके ध्वजा वंदन किया गया। शाम को 3 बजे बैंड बाजों के साथ शाही जुलूस निकाला गया और संतों प्रेमियों की मंडलियों ने
भगवान नाम कीर्तन की मौज मचाई। टंडो आदम के हर चौक पर स्वयं सदगुरु महाराज ने न्योता देते हुए कहा कि साधु संत ब्राह्मण गृहस्थ सभी इस ब्रह्म यज्ञ में शामिल हों और प्रसाद भी वहीं ग्रहण करें। सदगुरु महाराज ने शाम को सत्संग में कहा कि संतों का समागम पूर्व जन्मों के पुण्य से मिलता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोया। मेले की समाप्ति के बाद अपने भ्रमण का सिलसिला कायम रखते हुए रोहड़ी डहरकी से होते हुए चक गांव पधारे, जहां उन्होंने वेदांत भक्ति वैराग का वर्णन करते हुए जीव ब्रह्म की एकता पर जोर दिया। तब कई लोगों ने सदगुरु महाराज जी से नाम दान लिया और स्वामी शांति प्रकाश, स्वामी उद्धव दास, प्रीतम दास तो सदगुरु महाराज के प्रति समर्पित हुए और उनके साथ अमरापुर स्थान आए। गुरु बिन रंग न लागही, गुरु बिन ज्ञान न हो, कहे देऊ सतगुर बिना मुक्ति न पावे को। मुक्ति न एक बार प्रभात को 30-35 संतों की मंडली सहित भजन करते हुए महाराज जी सिंध के प्रसिद्ध सूफी संत झोक शरीफ के वार्षिक उत्सव में पहुंच गए। वहां के संतों के निमंत्रण से दरगाह पर 2 दिन सत्संग की मौज मचाई। सत्संग के दौरान महाराज जी ने कहा, संत फकीर सभी जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं और जप तप करके शरीर को कष्ट देकर जीवों को सत्य की राह दिखाते हैं। जिस धरती पर पीर फकीर संत महात्मा भजन करते हैं वो धरती पावन वो पूजने योग्य बन जाती है। इस धरती पर भी सूफी दरवेशों ने बंदगी की है जिनकी वजह से ये मेले लग रहे हैं। लेकिन हमने सुना है कि इस मेले में हर प्रकार के मांस का भोजन परोसा जाता है, जबकि ऐसे पवित्र स्थान पर किसी भी जीव की हत्या बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि सब जीवों के दिल में मेरा साईं समाया हुआ है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, मुझे नहीं मजा का है, दिल मत किसी की तोड़, ये घर खास खुदा का है। ये सुनकर दरगाह के गद्दी नशीन हाजी अब्दुल सत्तार ने कहा कि इस बार हम मांस बंद कर रहे हैं, भविष्य के लिए विचार करेंगे। एक दिन चैत्र मेले के दौरान स्वामी आसुराम जी ने सदगुरु महाराज जी से कहा कि किसी प्रेमी से बोलिए
कि हमारी चरण दासी ले आए। तब सद्गुरु महाराज जी ने स्वयं उठकर चरण दासी लाकर गुरुदेव महाराज के चरणों में पहनाई। तब स्वामी आसुराम जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हजारों प्रेमी आपकी सेवा करेंगे और जब तक सूर्य व चंद्रमा हैं तब तक आपकी कीर्ति रहेगी। एक बार सुबह 10 बजे भंडारे के सेवाधारी भक्त मंगन राम ने आकर हाथ जोड़कर विनती की कि कुएं का पानी बहुत कम हो गया है, मेले में पानी की पूर्ति नहीं होगी। सद्गुरु महाराज ने कहा कि भगवान भला करेंगे। कुएं के पास आकर सतनाम साक्षी कहकर अपने चिपी से उन्होंने कुएं में पानी डाला। इतिहास साक्षी है कि उस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ है। इमं मे गंगे यमुने सरस्वती सुतुद्री ओमं सगता परुष्म्या। देखा मेला कुंभ का, देखा मेला कुंभ का, सदगुरु महाराज कुंभ के मेले में छावनी लगाने से कभी चूकते नहीं थे। सन 1930 में प्रयाग का कुंभ मेला आया। महाराज जी ने संतों सहित आकर प्रेम प्रकाश मंडल की छावनी लगाई, वहां सत्संग भंडारा व अन्न क्षेत्र प्रारंभ किया। महाराज जी सभी संतों को साथ लेकर संत महात्माओं से मिलने छावनियों में जाते थे, जैसे महंत हरनाम दास सक्खर साधु बेला वाले, स्वामी अखंडानंद चित्रकूट वाले, स्वामी गंगेश्वरानंद इत्यादि। इन महात्माओं के साथ वे वेदांत चर्चा करते। सदगुरु महाराज का सत्संग अभेदी होता था। किसी भी पंथ मत आदि की निंदा या खंडन वो नहीं करते थे। वे सदैव कहते थे, भगवत भक्ति का फल है आत्मज्ञान, संतोष, शांति। संसार की भक्ति का फल है अनात्म अभिमान, विषय भोग और अशांति। सद्गुरु महाराज वेदांत की वार्ता करते हुए जीव व ब्रह्म की एकता पर जोर देकर कहते थे, ब्रह्म आत्मा एक है, सत्चित आनंद रूप, कहे त्यू ज्ञानी जिसे, जानत निज स्वरूप। ये सतगुरु टेऊ राम महाराज के समय की भी एक घटना है जो हम सुनने जा रहे हैं। तो सतगुरु महाराज अपनी मंडली को साथ में लेकर के, जिस मंडली का नाम संत मंडली का प्रेम प्रकाश मंडली, संत मंडली साथ लेके, हारमोनियम का समय उस समय नहीं था वाद्य का, लेकिन एकतारा लेकर के, डंडे लेकर के, घुंघरू उसमें बांध करके, खूब मस्ती में आकर के संत महात्मा मिल करके भजन गाते थे, कीर्तन करते थे और चलते जाते थे। अपनी मौज बढ़ावन कारण, अपनी मौज बढ़ावन कारण, सांग बनाया मैं वो मैं।
अपनी मौज बढ़ावन कारण अपनी मौज बढ़ावन जाए समाए सबके अंदर जाए समाए आप छिपाया मैं वो मैं 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 अपनी मौज मचावन का तन अपनी मौज मचावन का नागो बनाया मैं वो मैं बनाया मैं वो मैं सतनाम साखी। जैसे ही गुरु महाराज जी विराजमान हुए रानी बाग के अंदर सिंध के हैदराबाद शहर के सुंदर नगरी में गुरु महाराज का ऐसा भव्य प्रवचन सुन करके ऐसा भजन सुन करके कि अपनी मौज बढ़ावन कारण सांग बनाया मैं वो मैं, इस पर कुछ व्यक्तियों ने भेदवादियों ने कुछ रोष प्रकट किया और कहा कि महाराज ये आप कैसे कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। यद्यपि बात सही है लेकिन उन लोगों को जिसका जिसका जैसा संस्कार होता है उसके अनुसार वो जिस संप्रदाय में जिस समाज में जिस मत में पले थे वो संस्कार उसके ऊपर आ गया और यह बात उसको अखरी। तब कहने लगे महाराज हमारी ये शंका है उसका आप निवारण करिए। जिन व्यक्तियों ने शंका प्रकट की थी उनका एक का नाम दीवान प्रभुदास था और एक दीवान हजारी राम था। शंका प्रकट करते हुए कहा कि ये जीव ब्रह्म कैसे हो सकता है,
जीव होए कि इस समाना, इस प्रकार के प्रमाण दे करके बड़ा शास्त्र अर्थ करने लगे। गुरु महाराज से रहा नहीं गया, वो समझाने लगे हम इस शरीर को लेकर के नहीं अपनी कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है हमारी वो इस प्रकार है। इस भजन के द्वारा हम आप भी सुने असलियत को। सद्गुरु महाराज कहते थे, ये संसार तो सपना है, संसार में आसक्ति रख कर ही जीव दुखी होता है, ये जीव मैं और मेरा करता है, सच तो ये है कि उसका कुछ भी नहीं है। अंत में इस देह का घर श्मशान ही है, जहां उसके घर वाले खुद उसे छोड़कर आते हैं। दो दिन जग में जीवना मत कर अभिमान, मेरा मेरा करत है तेरा गढ़ शमशान, मैं मेरा गुरु चरण में दीजिए भेंट चराए, कहे टेऊं तीनों लोक में सज मुक्ति हो जाए। जैसे अभ्यास न कंदा से ऐसे कुछ भी थण वालो काने। मई सन 1942 में स्वामी माधवदास जी की विनती को स्वीकार करते हुए सदगुरु टेऊ राम जी महाराज प्रेम प्रकाश आश्रम हैदराबाद में आकर जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान का अमृत पिलाने लगे। एक दिन सतगुरु टेऊ राम जी महाराज ने संत उद्धव दास जी से कहा कि सर्वानंद को उत्तर काशी तार कर दीजिए कि वो जल्दी वापस आए। अगले दिन शाम को सत्संग के समापन के पश्चात सदगुरु टेऊ राम जी महाराज ने सभी संतों को अपने पास बुलाकर कहा, हमने अमर लोक जाने की तैयारी की है। ये बात सुनकर सभी संत घबरा गए और रो रो कर सदगुरु महाराज से कहने लगे, सदगुरु महाराज, इस पृथ्वी पर अभी आपकी बहुत आवश्यकता है, या तो फिर हमें भी आप अपने साथ ले चले। सदगुरु टेऊ राम जी महाराज ने कहा, आप घबराइए नहीं, हम सदैव आपके साथ हैं, अब आप हमारी आज्ञा का पालन कीजिए। हमारी कुटिया का दरवाजा बंद करके एक साधु को बाहर बैठा दीजिए और अमृत वेले 4 बजे दरवाजा खोलिएगा। सदगुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार संतों ने प्रभात को 4 बजे कुटिया का दरवाजा खोला तो उन्होंने पाया सदगुरु महाराज समाधिस्त थे। निकट जाने पर पता चला कि वे तो ब्रह्मलीन हो चुके थे। सभी संत सदगुरु महाराज के शरीर को अमरापुर आस्थान टंडो आदम ले आए। रास्ते में हर गांव से भीड़ उमड़ पड़ी, लोग जारो जार रोने लगे और फूलों की वर्षा करने लगे। सदगुरु स्वामी टेऊ राम जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी सर्वानंद जी महाराज को सभी संतों द्वारा मई सन 1942 ईस्वी में प्रेम प्रकाश मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
सर्वोपरि बात यह है कि पूज्य सदगुरु महाराज ने इस पृथ्वी पर अपने गद्दी नशीन के रूप में सदैव विद्यमान रहने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि उनका भी परमात्मा के साथ सीधा संपर्क रहेगा। उन्होंने और भी कई संत इस जग को दिए जो भारतवर्ष के कोने कोने में चांद तारों की तरह चमक रहे हैं। इनमें विशेष रूप से थे स्वामी ग्वालानंद जी महाराज, स्वामी सर्वानंद जी महाराज, स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, स्वामी गुरु मुखदास, स्वामी धर्मदास, स्वामी स्वयं प्रकाश, स्वामी माधवदास, स्वामी बसंतराम, स्वामी चंदन प्रकाश, स्वामी प्रेमानंद, स्वामी गणेशानंद, स्वामी उद्धव दास, स्वामी जय प्रकाश, स्वामी जीवन मुक्त, स्वामी मुरलीधर, स्वामी विद्या प्रकाश, स्वामी चेतन प्रकाश, स्वामी भजन दास, स्वामी कृष्णदास, स्वामी गंगाराम, स्वामी सत्य प्रकाश, स्वामी अमरदेव, स्वामी अर्जन देव, स्वामी खियाराम, स्वामी ओम प्रकाश, स्वामी हरि प्रकाश, स्वामी आत्म प्रकाश। उनके सत्संग के द्वारा दी हुई शिक्षाएं, वाणी व भजन प्रेम प्रकाश ग्रंथ के रूप में मौजूद हैं, जो कि मनुष्य मात्र के लिए एक आध्यात्मिक संपत्ति है। इस ग्रंथ के अभ्यास से परमात्मा के प्यासों को ब्रह्म ज्ञान का अनंत प्रकाश मिलता है। अचरजमय तेरी शक्ति, महाअचरजमय तेरी शक्ति, महाअचरजमय तेरी भक्ति, महाअचरजमय तेरी महिमा, महाअचरजमय तेरी अणिमा, महाअचरजमय तेरी करणी, कहते कछु जाय न वरणी। अचरजमय तेरी माया, रूप जिसी का कहा न जाया, महाअचरजमय तेरी छाया, जिसने रचिया भुवन निकाया, महाअचरजमय संकल्प तेरा, महाअचरजमय संकल्प तेरा, अनुगोता जग रचा घनेरा, महाअचरजमय रचना थारी, देखी जाय न जाय उचारी, महाअचरजमय तेरे कर्मा, कहते को जाने मरमा, अचरजमय रूप तुम्हारा है एक रस पुन सबते न्यारा, सर्व चिंतते रहत अचिंता, सर्व अंतते रहत अनंता, सर्व भेदते रहत अभेदा, सर्व भेदते रहत अभेदा, सर्व छेद ते रहत अछेदा, सर्व कर्म ते रहत अकर्मा, सर्व धर्म ते रहत अधर्मा, सर्व रूप ते रहत अरूपा, तेऊ लख को मुनिवर भूपा, देवा तेरा तनिक लखही ना भेवा, वरुण अगन पुनि रवि शशि तारे, दिल भरी अंत लखही ना थारे,
नारद शारद शेष गणेशा, नारद शारद शेष गणेशा, पारन पावहीं तुम्हरा लेशा, इंद्र कुबेर बृहस्पति आदि, अंतन तेरा लखें अनादि। सुरगण सुर अंग नागुन गावहीं, तेऊं वे भी अंतन पावहीं। जापी जप को जापे, कोटिक तपस्वी तप को तापे, कोटिक ध्यानी ध्यान लगावे, कोटिक योगी योग पचावे, कोटिक कर्मी कर्म कमावे, कोटिक कर्मी कर्म कमावे, कोटिक लगनी लगन मिलावे, कोटिक पंडित पढ़त पुराना, कोटिक ज्ञानी कहते ज्ञाना, कोटिक मुनि रह मौन मझारे, कहते तब पाय न पारे। कृपा मुझ भक्त बनाओ, हरि निज चरणों माही लगाओ, तेरी कृपा बिन भगवंता, जग में कोई भक्त न बनता, जिस पर करते दया मुरारी, जिस पर करते दया मुरारी, ताको देते भक्ति प्यारी, हे प्रभु मेरी सुन अरदासा, अब चल भक्ति दे सुख रासा, तब दर्शन की है मुझ प्यासा, कहते कर पूरन आसा, तब दर्शन की है मुझ प्यासा, कहते कर पूरन आसा। Mangalam, Jeeva Mangalam, Deha Mangalam,